और दुख भरी खबर ये कि यार टील है क्या? ओहो बहुत मोटी है तो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक फ्रॉम कुरुक्षेत्र। आज हमारी सचपास राइड का है 6 डे, तो घर जाने की खुशी है तो पहाड़ों को छोड़ने का दुख भी है। ट्रिप बहुत अच्छी रही, लास्ट के ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। तो अभी घर जाने का टाइम हो गया है और चलिए वहाँ बैठ के बात करते हैं। तो ऑल सेट, रेडी हो चुके हम लोग और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग कानपुर के लिए। घर जाने की खुशी अलग ही होती है, लेकिन जो घूमने में मज़ा आया पिछले 3-4 दिन में, वो 3-4 ब्लॉग आपने देख लिया। अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आया। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, यहाँ से सीधे हम लोग निकल रहे हैं कानपुर के लिए। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो आप लोग देखेंगे, बट पूरा ब्लॉग फुल इंटरटेनमेंट होने वाला है, मज़ा आएगा। इस होटल में हम फर्स्ट डे भी रुके थे, लास्ट डे, और चंबा में भी एक ही होटल में 3 दिन रुके, बहुत अच्छा होटल है, फुल मज़ा आया। ये सचपास डलहौजी और हम गए थे खजियार, मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो तीनों ही जगह बहुत अच्छी थी, सचपास तो औसम था। तो टाइम हो गया यहाँ से चलने का, और यहाँ का व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। तो चाय फिनिश करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। फाइनली टाइम टू से बाय बाय, और ये होटल अच्छा है। अब सबसे पहले फ्यूल डलाएंगे, पेट्रोल पंप यहाँ सामने ही है पास में, उसके बाद सर्विस लेन से यू टर्न लेके हमें जाना उधर कानपुर के लिए, पहले दिल्ली, दिल्ली होते हुए कानपुर। पहले फ्यूल डला लेते हैं क्योंकि आज है फ्लैट रोड, और फ्लैट रोड पे फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है क्योंकि राइड ज़्यादा होगी। हिल्स पे एक बार हम जो फुल करवाते थे काफ़ी टाइम चल जाता था, बट यहाँ तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। भैया टैंक फुल कर दो, कार्ड चल जाएगा ना भैया? ऑल सेट, रेडी टू गो। पहाड़ों को बहुत मिस करूँगा, मज़ा आया। मैंने इससे पहले हिल्स पे इस तरह कभी राइड नहीं की थी, और सचपास वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोड थी, वहाँ पर चलाया, मज़ा आया। और सतपास पे जो ऊपर 14,500 फीट पे जो हाइट पे व्यू था वो बहुत अच्छा था, वो आपने देख ही लिया होगा सचपास राइड वाले ब्लॉग में। ऊपर एकदम ब्लैक आइस थी, बाइक भी स्लिप कर रही थी। और अभी हम चढ़ने वाले हैं इस हाईवे पे, ये जाएगा मूथल, सोनीपत, दिल्ली होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, फिर इटावा होते हुए हम जाएँगे कानपुर। रोड पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पूरा जिगजैग स्लैग टाइप का हो रखा था, बट हमें यहाँ 20 से जाने के लिए बोल दिया था वहाँ पर जो खड़े थे हेल्पर, उन्होंने बोल दिया था चले जाओ। तो ये करनाल वाला टोल प्लाजा था, और सोनीपत है 77, मूथल 65। तो मूथल में एक ब्रेक लेंगे तो 65 किलोमीटर और चलते हैं, और टाइम हो रहा है 1 PM। ओवरब्रिज का ये फ़ायदा होता है, 2-3 मिनट में ऑलमोस्ट पूरा सिटी ही क्रॉस हो गया। बहुत सही रोड है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। खाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे, अच्छा लग रहा है देखने में, खाना भी अच्छा ही होगा। तो अब हम लोग आ गए हैं मन्नत, तो ये मूर्थल में पड़ता है। हम लोगों ने अपना लंच मंगा लिया है, लंच में हमने एज ऑलवेज जो हम लोग मंगाते हैं वही मंगाया है, पनीर पराठा, आलू पराठा, उसके बाद है अपना वाइट बटर और चाय, वो भी कुल्लड़ में। तो चलिए लंच फिनिश करते हैं, लंच फिनिश करने के बाद आपको आगे मिलते हैं।
फ़िलहाल खाना हो गया है, यहाँ पे खाना खाया, अच्छा था, चाय बहुत अच्छी थी। और अब चलते हैं दिल्ली, यहाँ से है अप्रॉक्स 61 किलोमीटर और कानपुर है 556 किलोमीटर, तो अपना नेक्स्ट स्टॉपेज दिल्ली के बाद ही होगा। चाय बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, कहने को मन्नत ढाबा है, प्रॉपर रेस्टोरेंट है ये। और अब चलते हैं हम अब दिल्ली के लिए, अभी 2:30 हो रहा है, अगर हम 3:30 तक भी पहुंचेंगे तो एक घंटे में दिल्ली का क्रॉस करने का प्लान है कि एक घंटे से पहले ही हो जाए जिससे कि ज़्यादा ट्रैफिक ना मिले। क्या है, कील है क्या? पता चल गया ना, पंचर था। कील है क्या? ओहो बहुत मोटी है। तो अभी प्रॉब्लम हो गई है, कैब भाई की बाइक का टायर पंचर हो गया है, बहुत मोटी कील लगी हुई है इसमें। तो चलाते हुए फील हो गया होगा, इसीलिए इन्होंने रोका, मुझे बोला कि एक बार चेक करो, तो मैंने देखा कि टायर जो है पंचर था और बहुत ही मोटी कील इसमें घुसी हुई है। तो अभी हमने प्लान किया था कि 5 बजे तक यमुना पे पहुंच जाएंगे, लेकिन टायर पंचर होने की वजह से अभी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, और देखते हैं कहीं पर शॉप, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये शॉप है। चलो थैंक गॉड हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। ओ बैड लक, यहाँ पर तो काम नहीं हुआ, अब आगे देखते हैं कि कहाँ पर पंचर वाला मिलता है। बस स्लोली स्लोली जा रहे हैं। फिलहाल बाइक का काम हो गया है और टाइम हो रहा है 3:30। दिल्ली ने अभी सही से हमें एंट्री भी नहीं करने दी और जाम से स्वागत कर दिया है। तो भाई दिल्ली की एक पहचान ये भी है, अगर आपने ये देख लिया है तो आप समझ जाओगे कि आप दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हो। बहुत बड़ा ये कलेक्शन है यहाँ पे कूड़े का, जब से हमने दिल्ली में एंटर किया तब से कंटिन्यू जाम में फंस रहे हैं, और इस समय टाइम हो रहा है 4:15 4:19 हो रहा है। तो फाइनली अभी मैं खड़ा हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, काफ़ी देर चलने के बाद ट्रैफिक, दिल्ली के ट्रैफिक से निकलने के बाद, तो गाड़ियों की तेज़ आवाज़ देख रहे हो, इग्नोर करना। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और अब हमें कवर करना है, पहुँचना है कानपुर, और कानपुर पहुँचने के लिए हमें करना है अप्रॉक्स 415-20-25, ऐसे अप्रॉक्स कुछ है मेरा डिस्टेंस यहाँ से, 422 किलोमीटर का है, हमें लग जाएंगे 5 से 6 घंटे। तो आगे अभी हमने डिसाइड किया यहाँ पे नहीं ब्रेक लेंगे, अब हम आगे जाएंगे, आगे जाके चाय पियेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे कानपुर के लिए। तो फाइनली ब्रेक कंप्लीट हो गया है, चाय पी, पेटीज खाई, और अब पास में ही है पेट्रोल पंप, यहाँ से चलते हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलाते हैं। फुल कर दो, पेट्रोल डला लिया, पेट्रोल डला के अब हम लोग निकल रहे हैं आगरा, यहाँ से है 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर अभी हमें कवर करना है। फिलहाल वी आर अबाउट टू रीच आगरा, बहुत अच्छा लग रहा है, इस बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 110-115 तो हम लोग मतलब नॉर्मली चल रहे थे। फाइनली वी रीच एट टोल प्लाजा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, और दुख भरी खबर ये कि यार यहाँ हमें टोल देना पड़ेगा। मिल गया? नहीं मिला ना, मुझे जो यमुना एक्सप्रेस वे था ना वहाँ नहीं गिरा है आपका, आपका लखनऊ वाले पे गिरा है, ये भी निकलने वाला है, तो ये वाला कवर निकल गया है, गिर गया है, और ये वाला कवर है इटावा। कितने का है यार? बहुत महंगा लेते हो, थोड़ा कम कर लिया करो, कभी कभार रेगुलर आते रहते हैं। क्या भाई की बाइक वो खड़ी, अपनी इधर खड़ी, और यहाँ पे अभी हम लोग चाय पियेंगे, 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे, तो निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। चाय हो गई है हम लोगों की यहाँ पे,
और अब हम लोग निकल रहे हैं। अप्रॉक्स 190 किलोमीटर है यहाँ से कानपुर। कानपुर के टोल प्लाजा में हमारा स्वागत हो रहा है। टाइम हो रहा है 12:34, यानी कि ये अच्छी खासी स्पीड से आ रहे हैं हम लोग। फाइनली सामने है दीपू चौहान ढाबा। टाइम हो रहा है 1:01 और बाइक चल चुकी है 3123 किलोमीटर। अब आ गए बैक टू होम, बैक टू पवेलियन। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए दीपू चौहान ढाबा और अभी हमने ऑर्डर करनी है चाय पकौड़ी और अब इसको खाते हैं और घर को जाते हैं। इस पूरी सीरीज में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मेहनत करी है। और क्या भाई, चाय चाय तो बहुत शानदार और लास्ट के 250 किलोमीटर क्या ठंड थी भाई, आदमी कुछ भी बन गया सच में। इस पूरी सीरीज में बहुत मेहनत की। अगर पूरी सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, अगर आपने पूरी सीरीज नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। इस पूरी सीरीज में मैंने डोमिनार 250 का कई बार कई जगह पे रिव्यू किया हुआ है, बहुत अच्छी बाइक है। और भी क्या क्या बताया वो सब आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।